और मोहित ग्रोवर ने चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा था पिछली बार। मोहित ग्रोवर ने अभी जो लोकसभा चुनाव में राज बब्बर की मदद की कांग्रेस की, तो ये सब मिलकर के वहां पर मुझे लगता है कि मोहित ग्रोवर के लिए अब ग्रीन सिग्नल है और वो सीट कांग्रेस को मिल सकती है 20 साल बाद। पटौदी रिजर्व सीट है, पटौदी में सबसे विशेष असर रहा है राव इंद्रजीत सिंह का, रामपुरा हाउस का। रामपुरा हाउस तय करता था कैंडिडेट कौन जीते। भाषापुर में राव नरवीर सिंह अब की बार कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी को आंख दिखा के, धमकी दे के, धमका के, सब कुछ करके टिकट लेके आए। अमित शाह ने उनको मनाया, भैया टिकट ले जाओ, चुनाव लड़ो। टिकट तो ले आए, पर मुझे लग रहा है कि राव नरवीर की जो हवा पहले थी वो आज नहीं है। बाबल में बनवारी लाल MLA थे, डॉक्टर बनवारी लाल। बाबल विधानसभा सीट ऐसे ही, यहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग MLA बनते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ये सब उसमें चुनाव जीत के आते हैं। दो बड़े कुनबे हैं मेवात के अंदर, मेवाती राजनीति के दो बड़े नाम, और उसके बाद चार पांच और नाम। जो दो बड़े नाम वो नाम हुए चौधरी तैयब हुसैन का और चौधरी खुर्शीद अहमद का। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मौसम गर्मा गर्मी का है, पारा चढ़ा हुआ है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये प्रयास करते हैं कि हरियाणा की कौन सी लोकसभा में कहाँ का क्या माहौल है। पिछली बार भी हमने एक वीडियो चलाई थी, इसमें रोहतक के बारे में हमने बताया था कि रोहतक लोकसभा की 9 विधानसभा में किसका माहौल है, किसकी हवा है, कौन पिछड़ रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है। लगातार हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि लगातार आपको हम बताते रहें। पिछली बार हमने अपनी वीडियो में बात की थी रोहतक लोकसभा की, वहाँ की 9 विधानसभा की, तो आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के बारे में, गुरुग्राम की 9 विधानसभा के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं देश रोजाना के प्रधान संपादक संजय मग्गू जी। तो संजय मग्गू जी, थोड़ा सा बताइए गुरुग्राम के बारे में, क्या माहौल है गुरुग्राम का। बेनजीर, पूरे हरियाणा में जितनी जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, सभी में 9 विधानसभा की सीटें हैं जी। मैंने रोहतक का बताया था पिछले दिनों हमने, आज गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 2019 में जो चुनाव हुआ था जी विधानसभा का, उस विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम की जो 9 सीटें हैं विधानसभा की जी, उनमें से कांग्रेस को मिली थी 4 सीटें, एक सीट यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीते थे और 4 ही बीजेपी को मिली थी। मतलब 4 फूल खिले थे, 4 पे पंजा चला था और एक इंडिपेंडेंट आ गए थे। 9 विधानसभा सीटों का ये स्थिति रही थी जी। अब 2024 चल रहा है, 2024 में आप एक बात जरूर मान लें कि फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर की जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर है, बिल्कुल। और गुरुग्राम के अंदर राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा दाव पर है कि वहाँ क्या होगा। गुरुग्राम के सांसद हैं वो जी। गुरुग्राम की 9 सीटें हैं, उनमें से ज़्यादातर पर जो कंसेंट ली गई टिकटें बांटने में वो राव इंद्रजीत की हुई जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम का जो रण है बहुत अच्छा होगा, और खासकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चुनौती है कि अपनी 4-4 तो कम से कम बचा लें जी। तो पहले विधानसभा की बात करते हैं, पटौदी के क्या माहौल रहेगा इस बार। पटौदी से पहले गुरुग्राम की बात करते हैं, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है जी। साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, गुरुग्राम ऐसा एक शहर है जहां पर दुनिया के हर देश का आदमी रहता है, बिल्कुल। गुरुग्राम अगर मैं वोटर्स के लिहाज से कहूं तो जो हरियाणा की पहली 5 विधानसभा की सीटें हैं उनमें गुरुग्राम है। सबसे बड़ी सीट बादशाहपुर है, लगभग 5.25 लाख वोट हैं। गुरुग्राम में भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोट हैं, इसमें एक्यूरेट तो मैंने देखा नहीं जी जी। पर 4 लाख से ज़्यादा वोट हैं। गुरुग्राम में 2019 में चुनाव जीते थे सुधीर सिंगला, बीजेपी के कैंडिडेट थे जी। और उनके सामने जो चुनाव हारे थे वो थे सुखबीर कटारिया, उनके पास कांग्रेस का टिकट था। 2019 से पहले चले तो 14 में जीते थे यहाँ पर उमेश अग्रवाल, उमेश गुप्ता। आजकल वो आम आदमी पार्टी में है, पार्टी छोड़ के चले गए थे, 19 में टिकट नहीं मिला था जी। अब जो अब का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर इसमें एक नया प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी हमेशा ज़्यादातर गुरुग्राम के अंदर वैश्य अग्रवाल चेहरे को अपना कैंडिडेट बनाती है, इस बार वो बदल करके ब्राह्मण नेता है मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा प्रॉपर्टी के कारोबारी हैं, बड़ा धंधा है उनका, बड़ा कारोबार है जी। 2019 में भी टिकट मांग रहे थे, उनको जब 19 में टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में थे बादशाहपुर से। अब उन्होंने शिफ्ट हुए बादशाहपुर से गुरुग्राम जी, टिकट उनको मिल गया, मुकेश शर्मा मैदान में है। यहाँ बीजेपी की जो दावेदारी थी वो वैश्य अग्रवाल समाज की थी,
पहले से ही था कि सुधीर सिंगला का टिकट कटना लगभग तय है, कंफर्म है। हमने भी कहा था कि नवीन गोयल को टिकट मिल सकता है, सुधीर सिंगला का कट के मुकेश शर्मा के बारे में लोगों का कंसेंट था ही नहीं। बीजेपी ने प्रयोग किया, मुकेश शर्मा को टिकट दे दिया, नवीन गोयल अब इंडिपेंडेंट मैदान में है। कल पीयूष गोयल वहाँ गए हुए थे जी, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, मनाने के लिए नवीन गोयल को एक तरह से। लेकिन अब नवीन गोयल के साथ में जो कारवा बीजेपी के वर्कर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो बीजेपी के हुए। कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पर, कांग्रेस ने अपना नया प्रयोग कर दिया आपकी बार, जो सुखबीर कटारिया कैंडिडेट थे 2014 और 19 में, उनको हटा करके और कांग्रेस ने टिकट दिया है मोहित ग्रोवर को। नया चेहरा है मोहित ग्रोवर। मोहित ग्रोवर 2019 में चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट जी, लगभग 45,000 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। मोहित ग्रोवर के पिताजी मदन लाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स में सक्रिय थे हमेशा शुरू से ही मदन लाल भी, और मोहित ग्रोवर ने चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा था पिछली बार। अच्छा, मोहित ग्रोवर ने अभी जो लोकसभा चुनाव में राज बब्बर की मदद की कांग्रेस की, और चुनाव शुरू होने से पहले, विधानसभा से पहले इन्होंने बीजेपी, विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही मोहित ग्रोवर ने कांग्रेस ज्वाइन किया, दीपेंद्र हुड्डा ने ज्वाइन करवाया। और मुझे लगता है कि इनकी शर्त पहले ही फिक्स थी कि भाई टिकट आपको मिलेगा। अब गुड़गांव का हालात ये है जी, कि ग्रोवर और गोयल और शर्मा, यानी कि मोहित ग्रोवर में, नवीन गोयल में, और दिने इसमें जो शर्मा जी हैं बीजेपी वाले जी, मुकेश शर्मा, इनके बीच में ट्रायंगुलर फाइट है। और इस फाइट के अंदर अगर मैं ये कह दूं कि ग्रोवर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा। ग्रोवर के साथ में तीन फैक्टर जुड़ जाते हैं, एक तो उनके पिछली बार की मेहनत जी, दूसरा पंजाबी मतदाता वहां पर जितना टोटल मेजोर जो पब्लिक है, जितना टोटल वोटर है जी, उसका 50% के आसपास 45% अकेला पंजाबी वोटर है। ओके। जाट मतदाता भी वोट दे रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी का जो नाराज मतदाता है, खासकर नाराज मतदाता कौन सी कैटेगरी के आ रहे हैं, वो सभी हो गए। अच्छा। जिनको लगातार लग रहा है विकास नहीं हुआ, जिनको लग रहा है सुधीर सिंगला को टिकट मिलना चाहिए था नहीं मिला, जो उनके समर्थक थे वो हो सकता है कि वो नवीन और मुकेश जी को छोड़ करके चले जाएं मोहित ग्रोवर के पास। तो यानी कि बीजेपी का रुष्ट कार्यकर्ता प्लस इनकी पुरानी मेहनत प्लस वहां पर पंजाबी जो वोटर है, हुड्डा समर्थक हो गए, कांग्रेस समर्थक हो गए, वो साथ हैं ही है सभी, तो ये सब मिलकर के वहां पर मुझे लगता है कि मोहित ग्रोवर के लिए अब ग्रीन सिग्नल है और वो सीट कांग्रेस को मिल सकती है 20 साल बाद, 2 दशक इतना बाद। लंबा सफर। धर्मवीर गाबा के बाद में वहां से कहीं कांग्रेस का कोई एमएलए बना नहीं। तो इस बार उम्मीद है, ग्रीन सिग्नल है। मुझे लगता है कि मोहित ग्रोवर चंडीगढ़ जाके रुकेंगे सीधे। चलिए जी, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं मंगू जी ने जी। तो पटौदी की बात करें अब हम। पटौदी विधानसभा रिजर्व विधानसभा सीट है जी। पटौदी दो चीजों के लिए मशहूर है, एक तो पटौदी शहर अपने आप में, फरकनगर पटौदी, यहाँ पे जहाँ पे पहले से किला है सैफ अली खान, बिल्कुल। उनके पिता नवाब पटौदी, उनका जो महल है वो वहीं पर है। और दूसरा वहाँ पर एक वहाँ की पहचान है स्वामी धर्मदेव, उनका हरि मंदिर आश्रम है वहाँ पर, और पटौदी वाले बाबा के नाम से उनकी पूरे देश में पहचान है जी। पटौदी रिजर्व सीट है। पटौदी में सबसे विशेष असर रहा है राव इंद्रजीत सिंह का, रामपुरा हाउस तय करता था कैंडिडेट कौन जीते। उस रामपुरा हाउस का जो तिलिस्म था, वर्चस्व था, उसको तोड़ा पिछली बार मनोहर लाल ने। मनोहर लाल ने यूं तोड़ा कि पहली बार 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत की पसंद का कैंडिडेट नहीं था जिस पार्टी में राव इंद्रजीत थे, यानी कि अगर वो कांग्रेस में रहे तो उनका पसंद कैंडिडेट होता था। भाजपा में आए तो 2014 में बिमला चौधरी को टिकट मिला, इस चुनाव में 2019 में सत्यप्रकाश जरावता को लेकर के आए मनोहर लाल, नया प्रयोग हुआ और सत्यप्रकाश जरावता जीत गए। इसलिए मैंने कहा कि तिलिस्म टूटा उनका राव इंद्रजीत का, उस तिलिस्म को वापस पाने के लिए अब की बार राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे अपने जो भी उनके तीर तस्कर थे सब छोड़े जी। टिकट बदला और टिकट मिला विमला चौधरी को। विमला चौधरी जो एमएलए थी 2014 से 19 में जी, उनको टिकट मिल गया। कांग्रेस का टिकट भी बदल गया अब की बार, कांग्रेस ने भी चेहरा बदल दिया। कांग्रेस से पहले यहाँ पर सुधीर चौधरी कैंडिडेट हुआ करते थे जी, वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, उनके भाई के दामाद हैं। अच्छा। दो बार चुनाव हार गए थे इसलिए उनका टिकट मुझे लगता कट गया। अब जो कांग्रेस ने टिकट दिया है वो भूपेंद्र चौधरी एमएलए रहे हैं 2005 में जी, कांग्रेस के टिकट पर ही। भूपेंद्र चौधरी की बेटी है पल चौधरी, पल चौधरी को कैंडिडेट बनाया है। ओके। फाइट अच्छी है, राव इंद्रजीत सिंह की पसंद प्लस बीजेपी, इसलिए विमला चौधरी को एज है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो क्लियर सीट है उनकी, लेकिन विमला चौधरी का एज है और उनकी जो गाड़ी है वो
पीली बत्ती पे खड़ी है, येलो सिग्नल मार जाएंगी, येलो सिग्नल पर है, हो सकता है वो ग्रीन की तरफ बढ़ सकती हैं। चलिए ग्रीन, यानी कि पटौदी की सीट बीजेपी को मिल सकती है इस बार भी। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा रेवाड़ी के बारे में बता दीजिए, रेवाड़ी का क्या माहौल रहेगा इस बार, क्या माहौल चल रहा है? रेवाड़ी विधानसभा में 2014 में चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणधीर सिंह कापड़ीवास जी। कापड़ीवास को टिकट दिलाया राव इंद्रजीत सिंह ने उस समय जी। उसके बाद इंद्रजीत और कापड़ीवास का 36 का आंकड़ा लगा, कापड़ीवास से नाराज हो गए, अगली बार टिकट नहीं लेने दिया। ओके। इससे पहले यानी कि जो 2014 का चुनाव था उससे पहले तक सारा जलवा वहां पर कप्तान साहब का था, कैप्टन अजय यादव का जी। 6 बार MLA रहे, 1988 से शुरू हुए बनना और लगातार चुनाव जीतते रहे वो, 6 बार लगातार MLA बने जी। ये भी एक मिसाल कायम कर, हाँ, कप्तान अजय यादव खुद चुनाव हार गए जी 2014 का। ओके। उसके बाद उनको टिकट मिला कप्तान को लोकसभा का, उस चुनाव को भी हार गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में रणधीर सिंह कापड़ीवास का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उनके मुकाबले दिया उधर सुनील मुसेपुर को, चेहरा बदल दिया, चेहरा बदला जी। चिरंजीव राव कांग्रेस के कैंडिडेट हुए, वहां भी कांग्रेस का कैंडिडेट चेहरा बदला, अजय यादव कप्तान साहब ने विधानसभा की राजनीति से तौबा किया और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे वो। अब रेवाड़ी का जो आज के हालात हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास अब की बार मैदान में नहीं है, बीजेपी में ही है जी। बीजेपी छोड़ करके सतीश यादव पहले भी चुनाव लड़ते रहे, अब की बार वो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, 30-35 हज़ार वोट लेते रहे हैं लगभग। बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो बड़ा, मैं तो उसको बड़ा प्रयोग कहूंगा, लक्ष्मण यादव MLA थे कोसली के जी, कोसली से उठा करके उनको ले आए रेवाड़ी में। अच्छा। और रेवाड़ी में उनको टिकट दे दिया, टिकट दूसरी जगह लाकर, टिकट कोसली से टिकट ला करके, कोसली के विधायक थे वो जी जी। कांग्रेस का कैंडिडेट अब भी यहां पर चिरंजीव राव है जी। कांग्रेस की हवा थोड़ी सी हरियाणा के अंदर चल रहा है माहौल, भाई कांग्रेस की हवा कह रहे हैं लोग जी जी। प्लस चिरंजीव राव के लिए एक बात चल रही है कि वो कांग्रेस सरकार बनती है तो उनके पास ठीक ठाक अच्छा पद होगा, ताकतवर होंगे। चिरंजीव राव कप्तान अजय यादव के बेटे हैं, कप्तान अजय यादव की सोनिया गांधी के दरबार तक सीधी पकड़ है। इसके साथ साथ दूसरी चीज है कि चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, यानी कि एक वो कहते हैं कि डबल इंजन, जो बैकग्राउंड ही सॉलिड है, जो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल। तो इनके साथ दो इंजन लगे हुए हैं, पिता बड़े कांग्रेस के नेता, ससुर बड़े जो इनका इंडिया गठबंधन है उसके नेता जी। तो चिरंजीव राव का मुझे लगता है कि ये चुनाव भी चिरंजीव राव के लिए सेफ है, इस चुनाव को भी बड़े आराम से निकाल लेंगे और चिरंजीव राव मुझे चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा इस बार कांग्रेस की बीजेपी के अंदर भीतरघात, कांग्रेस की हवा है, बीजेपी कैंडिडेट को भीतरघात बहुत होगी जी। सतीश यादव आज इंडिपेंडेंट आम आदमी पार्टी से खड़े हो गए, वो छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए और चिरंजीव राव के पास कांग्रेस का टिकट वापिस है। भीतरघात की बात करी आपने, मुख्यमंत्री जी बहुत सतर्क है इस बार, तो भीतरघात चल रहा है और नजरे टिकाए हुए है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। वो अपने हलके में भीतरघात नहीं रोक पाए, उनके लाड़वा हलके में उनके सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ है संदीप गर्ग आजाद खड़े हुए जी। बीजेपी के वर्कर थे, अब अपने हलके में जो भीतरघात नहीं रोक पाए कहीं क्या रोकेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। तो भाई चलिए आगे चलते हैं, तो रेवाड़ी में चिरंजीव राव को आप ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, वो चुनाव चलिए जी फाइनल कर दिया जी मग्गू जी ने ग्रीन सिग्नल। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है बादशाहपुर जी, और बादशाहपुर ने 2009 से लेकर और अब तक हर बार नया MLA दे दिया, हर बार नया MLA नई परिसीमन में अस्तित्व में सीट आई थी जी। कुछ सोहना का हिस्सा कटा, कुछ गुड़गांव का हिस्सा कटा और बादशाहपुर बनी। बादशाहपुर के अंदर 2009 में MLA बने थे राव धर्मपाल जी, सोहना से पहले MLA बना करते थे और बादशाहपुर टिकट मिला, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर। 2014 में राव नरवीर MLA बने यहां से बीजेपी कैंडिडेट, और 2019 में बने राकेश दौलताबाद, यहाँ से चुनाव लड़े, वो जीत गए। राकेश दौलताबाद ने 2009 का चुनाव भी लड़ा था, 2014 का भी लड़ा था और 2019 का भी लड़ा था। एक चुनाव उन्होंने लड़ा था इंडियन नेशनल लोकदल से, एक चुनाव इंडिपेंडेंट और 2019 का भी इंडिपेंडेंट, और निर्दलीय लड़ते हुए वो चुनाव जीत गए जी। 2019 का चुनाव जीतने के बाद राकेश दौलताबाद ने समर्थन दिया और इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि उनका जिस दिन लोकसभा चुनाव की वोटिंग थी जी। उस दिन राकेश दौलताबाद का निधन हो गया, उसी दिन हार्ट अटैक पड़ा, उनको उनकी मौत हो गई।
भाषापुर में राव नरवीर सिंह अब की बार कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के जी। पार्टी को आंख दिखा के, धमकी दे के, धमका के, सब कुछ करके टिकट लेके आ गए। अमित शाह ने उनको मनाया, भैया टिकट ले जाओ, चुनाव लड़ो। टिकट तो ले आए, पर मुझे लग रहा है कि राव नरवीर की जो हवा पहले थी जी। वो आज नहीं है। जो ओहरा उनके पास पहले था वो ओहरा आज नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये कि वर्धन यादव को टिकट दिया है कांग्रेस ने जी। वर्धन यादव यूथ है, युवा चेहरा है, प्लस उनके साथ में एक चीज आ जाता है कि लगभग 90,000 वहां पर जाट वोटर है। वो जाट वोटर दे रहा है कांग्रेस को वोट, वर्धन यादव के पास हो गया। उसके बाद माफ कीजिएगा, जाट नाराज है इसलिए उस तरफ है या युवा चेहरा देख के उस तरफ? आप ये मान लीजिए कि जाट तो बस कुछ भी कह लो वोट नहीं दे रहा बीजेपी को। अच्छा। उनके लिए सिर्फ ये है कि वोट मैक्सिमम 15-20% बीजेपी को मिलेगा पूरे हरियाणा के अंदर लास्ट जो है जी। इसलिए उन्होंने वो इनेलो प्लस जेजेपी प्लस ये वो सारे जुगाड़ किए हैं। गठबंधन तो नहीं किया, वो साइलेंट गठबंधन है। अच्छा। खैर हम नहीं कहेंगे उस बात को जी। वर्धन यादव नया चेहरा है, लोकसभा के टिकट चाह रहे थे जी। राहुल गांधी के बहुत नजदीक है। ये सारी बातें चुनाव में बड़े मायने रखती है कि जिसको टिकट मिल रहा है उसका ऑरा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। एक बड़े परिवार से हैं वर्धन यादव जी। वर्धन यादव के नज़दीकी रिश्ते में चाचा या ताऊ हैं। मुझे एक बड़े ऑफिसर बता रहे थे कहानी उनकी कि उन्होंने सीपी थे गुड़गांव के राव पुलिस कमिश्नर, और कोई बात हो गई थी तो उनका एक दिन में ट्रांसफ़र करा दिया था विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस में रह करके, और वो बीजेपी की सरकार थी। तो ये ऑरा होता है जी। इसे रुतबा कहते हैं कि उनका रुतबा है। एक बात और आ जाती है, कुमुदनी चुनाव में है राकेश दौलताबाद की वाइफ जी। मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव उनमें ना उतरती तो ज्यादा बेटर होता। ऐसा क्यों? कुमुदनी के राकेश दौलताबाद का निधन हुआ 25 मई को जी। और सब में माना जाता है कि अगर घर में ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो उसमें खासकर औरत के उतरने को, चुनाव मैदान में आने को, या इस प्रकार सार्वजनिक जीवन को लोग अच्छा नहीं मानते। उसके बावजूद चलो राजनीति है, वो चुनाव मैदान में आई, वो उनका अपना फैसला है। कुमुदनी के पास जो बैकग्राउंड, जो पावर थी, जाट वोटर, वो कांग्रेस की साइड हो गया। उनका लोगों के अंदर इतना बड़ा कोई रुतबा नहीं था, कोई रुझान नहीं था कि लोग उनकी साइड एकदम घूम जाएं। वो अपने पति के उसके लिहाज से, और राकेश दौलताबाद के साथ भी मैं एक बात कहूंगा, 2019 में चुनाव तो जीते, वो चुनाव तो उससे पहले दो लड़ चुके थे, तीसरा चुनाव जीते तो सही, लेकिन उनको जिताने में जो मुख्य भूमिका थी वो भाजपा के बागियों की थी। 2019 में मनीष यादव को टिकट मिला था जी। तो मनीष यादव को टिकट मिलने के बाद में राव नरवीर सिंह का जो मूक समर्थन था वो चला गया था दौलताबाद को। उनको ये था कि एक नया चेहरा ना सामने आए, एक राजनीति में होता ही है, पॉलिटिशियन कहते हैं कोई नया ना आए इसलिए किसी और को बना दो। राकेश दौलताबाद को आराम से हटा देंगे अगर कोई यदुवंशी राजनीति में, यादव राजनीति में कोई चेहरा ना आए, इसलिए मनीष यादव को समर्थन नहीं मिला था और 10,000 वोट से लगभग हार गए थे। अगर अब मैं आपको बताऊं तो हालांकि राव नरवीर सिंह को भी कमजोर आंकना बहुत बड़ी भूल होगी, लेकिन वर्धन यादव को भी आप कमजोर आंक लें वो भी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए ये चुनाव मैं कहूंगा कि यहाँ पर येलो लाइट पर दोनों हैं, दोनों को येलो लाइट, राव नरवीर सिंह भी, वर्धन यादव भी। अब कौन रेड की तरफ बढ़ेगा और किसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये 8 तारीख को तय होगा, लेकिन आज जरूर ये है कि बादशाहपुर में सीट फंसी हुई है, और अगर मैं एज कहूंगा तो वो वर्धन यादव को जी। यानी कि राव नरवीर और वर्धन में दोनों येलो लाइट पर हैं, पर थोड़ा सा अपर हेड जो है वो वर्धन यादव का लगता है जी। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा सोना के बारे में बताइए कुछ। सोना विधानसभा सीट जो है वो पहले सोना अलग एक सीट हुआ करती थी और ताबड़ू अलग हुआ करती थी। अच्छा। 2009 के परिसीमन से पहले ताबड़ू से जाकिर हुसैन एमएलए बना करते थे जी। 2-3 बार बने थे ताबड़ू से, और सोना से जो एमएलए राव धर्मपाल और कभी वहां से यादव और कभी वहां पर गुजर ही नेता चुनाव जीता करते थे सोना में। 2009 के चुनाव में पहला चुनाव हुआ और यहाँ पर चुनाव जीते चौधरी धर्मवीर, जो आजकल भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं। ये बड़ा अनूठा प्रयोग था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो शाम में लड़ाई थी किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर की, दोनों कांग्रेस में थे जी। उन्होंने हुड्डा साहब ने समझा बुझा करके भेज दिया धर्मवीर जी को सोना में। इधर राव इंद्रजीत का समर्थन उनको मिला, उस टाइम राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे, मेयो मुस्लिम मतदाताओं का सहयोग मिल गया। सोना में जो है गुजर मतदाता प्रभावशाली है, प्लस वहाँ पर लगभग 55,000-60,000 मेव मुस्लिम मतदाता भी हैं। सोना में 2009 में धर्मवीर जीते, मैंने बताया आपको जी।
2014 में यहाँ पर तेजपाल तंवर चुनाव जीते, इस बार बीजेपी का टिकट फिर मिला उनको जी। और 2019 में चुनाव जीते यहाँ से संजय सिंह को अब रिप्लेस कर दिया है नूह में। अच्छा, संजय सिंह की जगह तेजपाल तंवर वापस आ गए। तेजपाल तंवर का अच्छा रुतबा है, अच्छा हो रहा है और वो लोकप्रिय भी काफी है, ऐसी बात नहीं है जी जी। पिछले चुनाव में जो 2019 का चुनाव था उसमें रोहताश खटाना वो नंबर सेकंड रहे थे, जेजेपी के कैंडिडेट थे, जननायक जनता पार्टी से, बड़े उद्योगपति हैं, बड़ा उनका रुतबा है रोहताश खटाना का भी। अब आजकल वो कह रहे हैं कि एक घंटे में टिकट लेके आ गया था तो ऊपर भी बढ़िया जुगाड़ रखूंगा, इसलिए उनसे कुछ नाराजगी है कांग्रेसियों में। लेकिन रोहताश खटाना के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक तो उनका पिछला चुनाव का जो प्रभाव था वो अच्छा था जी। गुजर समाज में उनकी पकड़ जाता है जी। मैं मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस को वोट देना चाहता है, एससी मतदाता कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है, कुछ वहां पर लगभग 12,000 जाट मतदाता है वो भी कांग्रेस के साथ है। राजपूत मतदाताओं में इस बार नाराजगी है थोड़ी सी बीजेपी को लेकर, तो ये सब समीकरण मिलाकर के रोहताश खटाना का अपर हैंड तो है जी। देखना मेन ये होगा कि जावेद क्या करते हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में 2019 में जावेद के पास टिकट था बहुजन समाज पार्टी का, इस चुनाव से पहले वो इनेलो में शामिल हुए थे, पर पता नहीं क्या सूझा उनको कि उन्होंने चुनाव जो है सिंबल ना इनेलो का लिया ना बीएसपी का लिया और इंडिपेंडेंट मैदान में आ गए। मुझे लगता है ये सोच होगी कि जिसकी सरकार बनेगी वहां चले जाएंगे अगर बन जाते हैं तो। जावेद चौधरी खुर्शीद अहमद के रिश्तेदार हैं, उनके शायद भाई हैं या ऐसा परिवार से ही हैं उनके, और वहां पर आफताब अहमद जो है उनका भी असर है सोहना के अंदर, और इधर असर वहां पर जाकिर हुसैन का भी है। जाकिर हुसैन ताबड़ू से एमएलए बनते रहे, जाकिर नहीं चाहेंगे कि जावेद आगे बढ़े किसी तरह से भी जी। अभी भाजपा में बने हुए हैं, बेटे को चुनाव इनेलो से लड़वा रहे हैं जाकिर हुसैन, जब नूह का पूछोगे तो बताऊंगा जी। पर मामला सारा उलझा हुआ है सोना का, और इस उलझे हुए मामले में मुझे रोहताश खटाना एज लगते हैं, रोहताश खटाना आगे लगते हैं पिछली बार के मुकाबले। इस बार उनके पास टिकट भी अच्छा है, सिस्टम भी सारा ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद जाकिर हुसैन भी कहीं इंटरनल सपोर्ट रोहताश खटाना को ना कर दें, अगर ये सब होता है तो फिर रोहताश खटाना काफ़ी आगे हैं, और रोहताश खटाना के लिए आप ग्रीन सिग्नल मान करके चलें यहाँ पर कि उनको हरी झंडी मिल सकती है। चलिए, हरी झंडी दे दी आपने जी, चलिए अच्छा है। वो तो खैर वक्त ही बताएगा जब रिजल्ट आएगा कि किसको लाल, किसको हरी, किसको येलो झंडी मिलती है। तो फिलहाल अभी बात करते हैं बावल की। बावल विधानसभा सीट, गुरुग्राम लोकसभा में दो सीटें रिजर्व हैं जी, एससी रिजर्व अनुसूचित जाति के लिए, पटौदी का मैंने बता दिया, और दूसरी बावल है। ऐसे कम ही लोकसभाएं हैं जहां पर दो दो सीटें रिजर्व हैं, फरीदाबाद में केवल एक ही है, गुरुग्राम में दो हैं। बावल में बनवारी लाल एमएलए थे, डॉक्टर बनवारी लाल जी। बावल विधानसभा सीट ऐसी है यहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग एमएलए बनते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ये सब उसमें चुनाव जीत के आते हैं जिनका पहले से होता है। हाँ, डॉक्टर बनवारी लाल एसएमओ हुआ करते थे पलवल के सिविल हॉस्पिटल में। 2014 का उनका पहला चुनाव था, चुनाव जीत गए। 2019 का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, दोनों बार वजीर बने मंत्री सरकार में जी। 2019 की सरकार में तो कैबिनेट मंत्री थे। मुझे लगता है कि उनके साथ जो बैंक वाला इशू था शायद या तो वो कारण था या एंटी इनकम्बेंसी थी, जो भी था, तीसरा शायद राव इंद्रजीत का रहा हो, टिकट कट गया उनका। आखिर कट गया, टिकट कट गया और टिकट मिला डॉक्टर कृष्ण कुमार को। डॉक्टर कृष्ण कुमार भी सिविल सर्जन रहे थे, रेवाड़ी में रहे, फरीदाबाद रहे, और अभी जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी वो डायरेक्टर थे हेल्थ डिपार्टमेंट में जी। वहाँ से चुनाव लड़ने आ गए। उनके सामने कांग्रेस के हैं डॉक्टर एमएल रंगा, डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा उनका पूरा नाम है, वाइस चांसलर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के, और एक बार एमएलए बने हैं, और जब एमएलए बने थे तो वो बने थे इंडियन नेशनल लोकदल से 2000 में। उसके बाद चुनाव लड़ते रहे, लड़कर के वो चुनाव जीत नहीं पाए। इस चुनाव के अंदर दोनों में बताया जा रहा है अच्छी फाइट है। डॉक्टर कृष्ण कुमार को तो ये फायदा मिल रहा है कि फ्रेश चेहरा प्लस राव इंद्रजीत का समर्थन, और डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा के साथ ये कि कांग्रेस की हवा वही आ जाती है सीधा कांग्रेस के पक्ष में, तो यही बात है। एमएल रंगा के साथ सिंपैथी भी है कि कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लोगों में संपर्क भी था। कृष्ण कुमार सीधे सीधे आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये माना जा रहा है, कैंडिडेट और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो सीधी फाइट है वो इन दोनों के बीच में है, डॉक्टर मुनीलाल रंगा और कृष्ण कुमार के बीच में फाइट है, और एज इसमें मुनीलाल रंगा को है। डॉक्टर एमएल रंगा आगे है और चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन येलो सिग्नल देंगे दोनों को, दोनों को येलो पर जी। चलिए अब आ जाते हैं नूह में। नूह हमेशा इस चर्चाओं में रहा है, नूह के बारे में बताइएगा कुछ।
ये जो गुरुग्राम लोकसभा है ये बड़ी मतलब सब तरह की मिलीजुली है। बिल्कुल, तीन सीटें इसके अंदर जो आती है, ये बावल नूह फिरोजपुर झरकार पुराना, ये मेव मुस्लिम बाहुल्य है। सोना आ जाती है, मिलीजुली है। फिर उसके बाद में यदुवंशियों वाली सीटें हो गई, इसके अंदर रेवाड़ी, बावल और पटौदी, और उसके बाद आ जाती है गुरुग्राम, तो वो पूरा विश्व मिला हुआ उसके अंदर। इसलिए इस सीट का जो गुलदस्ता है वो कई फूलों वाला है। नूह की बात तुम कर रहे हो, नूह विधानसभा में कांग्रेस और इनेलो ये पार्टियां हमेशा रही हैं, बीजेपी तो यहाँ कभी थी नहीं, कभी भी नहीं आई आज तक। 2014 की बात करूं तो 2014 में इनेलो से एमएलए थे जाकिर हुसैन, 2019 में यहाँ पर चुनाव जीते आफताब अहमद, और अब आफताब अहमद कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, कांग्रेस सीएलपी के लीडर थे। आफताब के मुकाबले जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी की उम्मीद थी मिलने की जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन का जब टिकट कटा तो जाकिर हुसैन ने एक बार तो झंडा छंडा उतार दिया अपने घर से, और लगा कि शायद पार्टी छोड़ेंगे। खुद तो पार्टी छोड़ी नहीं। जाकिर हुसैन का बेटा है ताहिर हुसैन, उनको उन्होंने टिकट दिलवा दिया इंडियन नेशनल लोकदल। ये वही जाकिर हुसैन है जिनके भी सोना में बात कर रहे थे आप? हाँ, जिनका मैं सोना बता रहा था। दो बड़े कुनबे हैं मेवात के अंदर, मेवाती राजनीति के दो बड़े नाम, और उसके बाद चार पांच और नाम। जो दो बड़े नाम वो नाम हुए चौधरी तैयब हुसैन का और चौधरी खुर्शीद अहमद का। इनसे इनके जो पूर्वज थे वो भी राजनीति में सक्रिय रहे पूरी तरह से, यानी कि मेवाती राजनीति चौधरी खुर्शीद अहमद और चौधरी तैयब हुसैन तक तो इन दोनों के आसपास घूमती थी। उसके बाद जब नीचे आए तो उसके बाद फिर कई नेता आ गए, अजमत खां आ गए, सरदार खान आ गए, और भी नेता हुए, चौधरी रहीम खां हुए। तो ये पुराने दो धुरंधर परिवार रहे हैं वहाँ के मेवाती राजनीति के, चौधरी खुर्शीद अहमद का परिवार और चौधरी तैयब हुसैन का परिवार। दोनों परिवार कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, दोनों परिवार कभी ऐसा मौका था कि लोकदल में हुआ करते थे। 1987 में दोनों एमएलए थे, तैयब हुसैन जी भी और चौधरी खुर्शीद अहमद जी भी। उसके बाद में इनका जो आपसी चला, फिर उसके बाद इनकी पार्टी बदल गई। चौधरी खुर्शीद अहमद का परिवार लगातार कांग्रेस में चला आ रहा है काफी टाइम से, और चौधरी तैयब हुसैन का परिवार अब देख लीजिए आप, बीजेपी में भी है और इनेलो में भी है अभी। और अगर राजस्थान में जाते हैं तो चौधरी तैयब हुसैन का परिवार वहाँ कांग्रेस में रहा, उनकी बेटी कांग्रेस में थी, इलेक्शन लड़ी एमएलए का, कामा से हारी, चुनाव हारी। तो बात नूह की मैं कर रहा था आपसे, आफताब अहमद कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बीजेपी ने उनका टिकट काट करके संजय सिंह को दे दिया जो सोहना के एमएलए थे। हालांकि जो संजय सिंह, इनका जो पेरेंटल गांव, अपना गांव है उजीना, वो नूह विधानसभा में ही आता है। नूह से इनके पिताजी भी एमएलए रहे थे, संजय सिंह के पिताजी एक बार नूह से एमएलए रहे थे 1996 में, चौधरी सूरजपाल सिंह, कंवर सूरजपाल मंत्री भी रहे थे सरकार में चौधरी बंसीलाल की वजारत में। और अब बीजेपी से संजय सिंह, कांग्रेस से आफताब अहमद, और इंडियन नेशनल लोकदल से ताहिर हुसैन। मुझे लगता है कि नूह में कोई फाइट नहीं है। अच्छा। नूह में इलेक्शन, मैं नूह कल गया था, मैं देख के भी आया, काफ़ी लोगों से बात भी हुई, और नूह का इलेक्शन ऐसा लगता है जैसे एक तरफा माहौल है आफताब अहमद के लिए, कांग्रेस प्लस जो एंटी बीजेपी वोट वो प्लस आफताब अहमद के सामने जाकिर हुसैन का खुद चुनाव में उतरने के बजाय बेटे को लेकर के आना। अगर इनका फैसला जाकिर हुसैन का चुनाव का पहले ही हो जाता कि ये इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं, तो फिर शायद, अब ऐसा मुझे बताया लोगों ने कि जो 50-60 साल से जो जाकिर हुसैन के परिवार के साथ जो लोग थे वो खुर्शीद अहमद जी के साथ चले गए, यानी कि आफताब अहमद के साथ में चले गए। यानी कि जो लोग चौधरी तैयब हुसैन के परिवार के साथ जुड़े रहे 50-60-70 साल से, वो लोग अब चौधरी खुर्शीद अहमद के परिवार के पास चले गए। उनके जो वारिस हैं वो उधर आफताब हैं, महताब हैं, उधर चौधरी जाकिर हुसैन हैं, उनके चौधरी तैयब हुसैन के वारिस। तो ये डेंट बहुत बड़ा डेंट है जाकिर हुसैन के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आफताब अहमद का चुनाव बड़ा क्लियर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, और मुझे लगता है कि गुरुग्राम लोकसभा के अंदर बहुत बड़ी जीत होगी आफताब अहमद की, और वो बहुत बड़ी जीत हो सकती है। सेकंड रहते हैं वहाँ पर संजय कुमार रहते हैं या ताहिर हुसैन रहते हैं, अभी इसका कोई फैसला तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि संजय कुमार एज रहेंगे सेकंड के लिए। हरी झंडी चंडीगढ़ के लिए आफताब अहमद को आराम से पहुँचेंगे, सीधा पहुँचा दिया आप। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, पुनाना की बात करते हैं। पुनाना में इलियास मोहम्मद पहले भी एमएलए हैं जी, इंडियन नेशनल लोकदल में कभी हुआ करते थे, चौधरी रहीम खां के बेटे हैं, चौधरी रहीम खां 1984 में सांसद बने थे, उनके बेटे हैं
मोहम्मद इलियास जी इंडियन नेशनल लोकदल में भी दो बार विधायक बने, कांग्रेस में भी विधायक बने, पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे थे। अच्छा। रईसा खान इनके सामने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। रईसा खान 2014 से 19 एमएलए थे जी। और इलिया वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव जीते थे और बीजेपी को समर्थन दिया था। 19 में भी रईसा खान निर्दलीय थे और अब भी निर्दलीय हैं। तो रईसा खान सामने हैं, इलियास इधर कैंडिडेट हो गए वहाँ पर कांग्रेस से, और इनके सामने जो कैंडिडेट तीसरे कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो एजाज हैं। चौधरी सरदार खान वहाँ पे एमएलए हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, गृह मंत्री रहे थे हरियाणा के कभी चौधरी सरदार खान, उनके बेटे हैं एजाज। फाइट मुझे लगता है कि इलियास और रईसा के बीच सीधी फाइट है और एज इलियास को है, क्योंकि वही वाली बात कांग्रेस की हवा बिल्कुल। और इलियास मुझे लगता है कि इलियास के लिए यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल है, चुनाव जीतने की तरफ है, चुनाव जीत सकते हैं। चलिए जी, एजाज इलियास मोहम्मद कांग्रेस से। मोहम्मद जी, अब आ जाते हैं फिरोजपुर झिरका। अंतिम विधानसभा सीट है ये गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, झिरका फिरोजपुर जी। मामन खां यहाँ के विधायक हैं। मामन खां तो वैसे फेमस हैं, चर्चाओं में रहे हैं खूब ज्यादा बिल्कुल। मामन खां के सामने जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो नसीम अहमद को दिया है जी। नसीम अहमद पहले यहाँ से एमएलए रहे हैं 2009 में और 2014 में, दोनों बार वो इंडियन नेशनल लोकदल से बने थे। नसीम अहमद यूथ चेहरा थे, युवा इनेलो के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, वहां से उनको चौटाला साहब ने टिकट दिया, एमएलए बनाया। 9 और 14 दोनों बार एमएलए रहे। तो नसीम अहमद जब जेजेपी और इनेलो दो पार्टी अलग अलग हो गई जी, तो उस समय वो इनेलो को छोड़ करके और बीजेपी में चले गए। उनको टिकट दिया बीजेपी ने, 2019 में चुनाव हार गए। अच्छा। लगभग 37-38 हज़ार वोट से हारे थे और अब की बार फिर उनको टिकट बीजेपी ने दिया है। यहाँ पर एक नया चेहरा है हबीब भवनगर, वो उद्योगपति भी हैं, उनकी समाज में पकड़ भी है और इस समय उनका चुनाव प्रचार भी बहुत जोरों पर है। तो हबीब भवनगर को टिकट दिया है इंडियन नेशनल लोकदल ने, इनेलो की तरफ से कैंडिडेट है, अभय सिंह चौटाला खुद भी उनके लिए आ चुके हैं। तो फिरोजपुर झिरका का जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है ये मामन खां और हबीब भवनगर के बीच में है जी। जो तीसरे कैंडिडेट हैं जो एमएलए वहाँ के नसीम अहमद रहे थे, वो इस चुनाव में मुझे लगता है कि पिछड़ रहे हैं। और अगर यहाँ की आप पूछेंगे ग्रीन सिग्नल, तो मामन खां को ही ग्रीन सिग्नल होगा, चुनाव मामन खां जीत सकते हैं अभी। तो ग्रीन सिग्नल दे दिया आपने मामन खान को। जो मैंने आपको बताया गुरुग्राम की जो 9 सीटें हैं जो जी, गुरुग्राम के लिए कांग्रेस का फील गुड है, रेवाड़ी कांग्रेस को फील गुड है, सोहना कांग्रेस को फील गुड है, नू फिरोजपुर झिरका और पुनहाना ये कांग्रेस को फील गुड है। यानी कि 9 सीटें कांग्रेस के लिए हैं, 9 में से 6 सीटें कांग्रेस के लिए फील गुड हैं और 3 सीटों पर फाइट है। और उसमें मुझे लगता है कि बाबल बीजेपी को एज हो सकती है और रेवाड़ी बादशाहपुर अभी सख्त मुकाबला है जी, और सोहना यहाँ भी मुकाबला सख्त। जैसा कि आपने बताया कि एक तरफा लग रहा है कि कांग्रेस की हवा है, मतलब जो बीजेपी के 4 कमल खिल गए थे जी, जी। वो अब की बार 4 खिलने की मुझे उम्मीद कम लग रही है। लग रही है इस बार कांग्रेस का हाथ ज्यादा बढ़ा, कांग्रेस का हाथ पहले से बढ़ सकता है, यानी कि वो 4 से कांग्रेस 5 और 6 और 7 तक भी जा सकती है और बीजेपी 4 से 2-3 पर आ सकती है जी। तो आज हमने चर्चा की गुरुग्राम लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों पर, कल आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक नई लोकसभा सीट की, 9 विधानसभा सीटों की चर्चा पर। तो फिलहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।